क्या हुआ रानू? तुम क्यों रह रहे यहाँ? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से, इन लोगों से और जय वालिया से? रानू ऐसा नहीं कहते, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मिस्टर वालिया ने हमारी तब मदद की जब कोई और हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। मैं मिस्टर वालिया की बहुत इज्जत करती हूँ, उनकी भी और अपने काम और ड्यूटीज की भी, लेकिन रानू हम ये घर तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक माउंट आबू का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। रानू मैंने मिस्टर वालिया से कह दिया है, जैसे ही माउंट आबू का काम खत्म होता है हम तीनों बहनें ये घर छोड़ देंगे। लाइट्स किसने ऑन की? पुष्कर तुम इस वक्त? क्या बात है बानी? मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। पुष्कर कैसी इजाजत? मैं हमेशा के लिए प्रिया का हाथ थामने की इजाजत चाहता हूँ। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। पुष्कर तुमसे अच्छा जीवन साथी प्रिया को कभी मिल ही नहीं सकता, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। इसका मतलब है मुझे पुष्कर को जीजू बुलाना पड़ेगा। और मैं तुम्हें क्या बुलाऊं छोटी साली, आधी घर वाली चलेगा? बानी मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। बानी मेरी माँ कहती है शादी एक जन्म नहीं 7 जन्मों का संबंध होता है, और मैं 7 जन्मों के संबंध को एक यादगार पर बनाना चाहता हूँ। प्रिया की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। पुष्कर प्रिया की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं है, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। प्रिया की पसंद और नापसंद तो मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ हमारी शादी तुम्हारे माउंट आबू वाले घर पर हो। पुष्कर तुम्हारी शादी हमारे माउंट आबू वाले घर में? पुष्कर उस घर से हमारा जन्म का रिश्ता है, हमारी यादें, हमारा बचपन, मम्मी पापा के साथ बिताए हुए पल, वो घर हमसे दूर होकर भी हमारे दिल से कभी दूर नहीं हुआ है। तुम नहीं जानते आज मुझे कितनी खुशी मिल रही है अगर मैं प्रिया की विदाई वहां। लेकिन पुष्कर ये सब कैसे मुमकिन होगा? मैं मोहन खंडेलवाल से बात करूंगा, मैं वो घर खरीद लूंगा। पुष्कर इतने पैसे तुम? पैसों की चिंता मत करो तुम, अपनी कमाई से मैंने जो कुछ बचाया है वो सब इस घर पर चला जाएगा, और मुझे कोई परवाह नहीं है, ये घर प्रिया के लिए शादी का तोहफा है। लेकिन पुष्कर तुम इतना सब? प्यार का मतलब जीवन साथी की खुशी, और दोस्ती का मतलब दोस्त का साथ देना। मिस्टर मेहता ने मुझे बताया कि तुम माउंट आबू जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम देखना पुष्कर तुम्हें हमारा माउंट आबू वाला घर बहुत पसंद आएगा। दोस्त का साथ जहाँ भी हो अच्छा लगता है। अब मैं चलता हूँ, मुझे तैयारियां करनी है। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटियों की जिंदगी में सिर्फ आंसू नहीं है, मैं आपसे किया हुआ वादा निभाऊंगी, प्रिया को उसकी जिंदगी की हर खुशी मिलेगी। अरे भाई शादी ब्याह की बात है, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? हाँ देखो बेटा, ये रिश्ता बार बार नहीं होता, जिंदगी में एक ही बार होता है, इसलिए जो कुछ भी करना है ना सोच समझ कर करना।
जितनी दुनिया आपने देखी है उतनी तो मैंने नहीं देखी, पर मुझे मालूम है हर इंसान की जिंदगी में एक वैसा पल आता है जब उसे मालूम होता है उसे क्या चाहिए, और ऐसा पल आने में कभी जिंदगी बीत जाती है, कभी एक पल में एहसास हो जाता है। अरे वाह, हमारे बेटे ने तो अपनी माँ से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। क्या करूँ माँ, आपने हमेशा मुझे बुरी बातों से दूर रखा है। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत सी लड़कियों से मिला हूं मैं, पर पिया, पिया उनसे बहुत अलग है। वो इस दुनिया में आपकी बहू बनने के लिए आई है। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर ठीक है, आखिर माँ की खुशी अपने बच्चों से ही तो होती है। I love you, माँ। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम नहीं है। मैं बानी से नहीं, तुमसे मिलने आया। मैं जानता हूं कि बानी यहां पर नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं यहां पर हूं। मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा हूं तुमसे ये कहते हुए, बट आई जस्ट कांट हेल्प इट एनी मोर। चालीस साल की उम्र हो गई है मेरी, और अब तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाया है कि अगर मैं अपनी जिंदगी के हर दिन के हर घंटे भी अपने कमाई खर्च करने की कोशिश करूं तो भी 40 साल बाद शायद मेरी कमाई का 10वां हिस्सा भी खत्म नहीं। I guess what I'm trying to say is कि इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में एक खालीपन। तुम्हें याद है पिया, मैंने कहा था कि तुमने मेरे इस मकान को एक घर में बदल दिया। I really meant that। तुम क्या थी मेरे लिए? बस एक अनजान सी लड़की जिसको मैं जानता तक नहीं था, लेकिन उस अनजान सी लड़की ने मुझे हंसना सिखा दिया। ऐसा क्या था, कौन सी बात थी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा, ये मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि ये फैसला मैंने अपने दिमाग से नहीं, दिल से लिया है। और ये जिंदगी में पहली बार है कि मैंने अपने दिमाग के बजाय अपने दिल से सोचना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मोबाइल फोन, डीवीडी प्लेयर, कॉलेज जाने के लिए कार, ये सब चीजें मैंने तुम्हें ऑफेंड करने के लिए नहीं दी, इसीलिए दी कि तुम्हें ये महसूस हो जाए कि मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। तुमने सिर्फ मेरे कपड़े नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अपना सारा पैसा, अपनी सारी पावर को इस्तेमाल करना चाहता हूं सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। अगर ये प्यार नहीं है तो और क्या है? और मैं
या मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि मैं शहर का सबसे खूबसूरत इंसान हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं शहर का सबसे अच्छा इंसान हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं वो इंसान हूं जो तुम्हें जिंदगी का सब कुछ दे सकता है, और मैं देना चाहता हूं अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने? अब मेरी बात तो मानिए, एक बार ब्लू जीन्स और रेड पुलोवर पहन के तो देखिए। जानती हो क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहन पिया को मैं रोते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है। आपकी ड्रेसिंग सेंस बदल गई, लेकिन आप नहीं बदले। आप अपने तरीके से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जहां तक शादी का सवाल है, ना कहने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। ये फैसला मेरी दी का भी है, और इस वक्त वो यहां नहीं है। शादी का सवाल आपको क्या लगता है? ना कहने के अलावा सच्चाई और ईमानदारी का गलत रिश्ता जानते हैं मिस्टर वाली बहन, ना कहने के अलावा जानते हैं मिस्टर वाली सच्चाई और ईमानदारी का गलत रिश्ता क्या लगता है? ये तुम्हारा लंच। पापा लंच? तुम्हारी मनपसंद भुर्जी और रोटी है। कभी कभी तुम्हारी माँ के लिए उसकी मन पसंदीदा चीजें बनाया करता था मैं। थैंक यू पापा। जानता हूं बानी, घर का इंसान से क्या रिश्ता होता है। घर की याद कोई नहीं भुला पाता। पुष्कर, यादों में हमारी बेबसी कैद नहीं होती है, सिर्फ खुशियां होती है। जो सब बीत गया वो गम में नहीं था। आज मुझे महसूस होता है
घर की यादें कितनी खूबसूरत हैं। कितनी अजीब बात है नबानी, सुख और दुख दोनों का रिश्ता आंसुओं से होता है। आपको किससे मिलना है? मिस्टर मोहन खंडेलवाल घर पर हैं? मालिक ने ये मकान आज ही किसी को बेच दिया है। किसे बेच दिया ये तो हम नहीं बता सकते। ये घर पिया के लिए शादी का तोहफा है। इसको खबर है जाने क्या पल में यहाँ पे हो अजनबी। हर घड़ी क्या पता कब क्या करे ये जिंदगी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर यारों के यार की। यार कब तोड़ोगे खामोशी, कब दोगे हमें वो सरप्राइज जिसका हमें इंतजार है? जहाँ इतना इंतजार कर चुके थोड़ी देर और रुक जाओ। अरे एक्सक्यूज कमाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं जानता हूं कि आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आज की ये पार्टी किस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई। आप लोगों को और इंतजार करने की जरूरत नहीं, आज की ये पार्टी मेरी एंगेजमेंट पार्टी है। जी हां, मैंने शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली। So ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome her. पार्टी कैसे हो रही है?